हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ न्यू लेसन ऑफ योर मैथमेटिक्स बुक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। तो क्लास सेवन में ये आज पार्ट वन है आप लोगों का। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। इसमें लर्निंग सीक्वेंसेज है, इट मीन्स क्या क्या हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ब्रीफली समझ लें। इसमें इक्वेशंस के बारे में हम लोग समझेंगे, इक्वेशंस क्या होते हैं। उसके बाद आपका फर्स्टली इक्वेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड सेकेंड आफ्टर दैट लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? इट मीन्स लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन के बाद सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस, इट मीन्स लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे किए जाते हैं, तो लीनियर इक्वेशन के सॉल्व करने का तरीका। एंड आफ्टर दैट थ्री मेथड ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन, यानी कि जितने भी मेथड हैं आपके इक्वेशन को सॉल्व करने का उसके बारे में डिस्कस होगा। फर्स्ट होता है ट्रायल एंड एरर, सेकेंड होता है सिस्टमैटिक मेथड, एंड थर्ड वन होता है ट्रांसपोजिशन मेथड। ओके, तो ये सभी पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन है एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ये कुछ हम लोगों का वर्ड प्रॉब्लम जो होता है उस पे बेसिस कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। एंड लास्ट वन एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे आपको। तो ये टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, ये आपका लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में आप, लीनियर इक्वेशन आखिर होता क्या है, तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ पे इस फॉर्म में आपको लीनियर इक्वेशन आपको मिलेगा, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ये आपका लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन है जिसे हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ईयर में। नाउ द नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट हमारा टर्म है उसमें आपको देखना है इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज एन इक्वेशन? ओके, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच इन्वॉल्व्स वन और मोर लिटरल्स वेरिएबल्स इज कॉल्ड एन इक्वेशंस। ओके, यानी कि वैसे स्टेटमेंट, इक्वालिटी का स्टेटमेंट जिसमें एक आपको वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए और सेकेंड आपको कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व होना चाहिए। ओके, तो वेरिएबल मीन्स और कांस्टेंट का आप लोगों को प्रीवियस क्लास में अच्छे से बताया गया होगा, एक बार और रिकॉल करा दे रहा हूं। जितने भी आपको कांस्टेंट होते हैं, ओके, लिटरल्स वेरिएबल्स, तो उसमें लिटरल्स आपको, इट मीन्स जितने लेटर होते हैं, लेटर्स जो भी होते हैं, अल्फाबेट बोल लो, अल्फाबेट्स, ये जितने भी होते हैं अल्फाबेट्स आपको, वो सभी इसमें आ जाएंगे, चाहे वो किसी भी जगह के हो, आपको ग्रीक के हो, अदर कंट्रीज के हो, तो अल्फाबेट्स ये सभी, जैसे थीटा हम लोगों का आता है, आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो ग्रीक का एक क्या है, एक अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट को हम लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना है। तो एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे है 3 + 2x = 5। ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है 3, 2 एंड 5, बट इसके साथ एक जो x दिख रहा है ये वेरिएबल है, इट मीन्स लिटरल्स है, तो लिटरल्स इसके साथ है, तो ये क्या हो गया, ये आपको इसकी जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू जो आएगी आपको, वो इसके बराबर लाने के लिए इसका जो x की जो वैल्यू है वो वेरी करेगा। इट मीन्स ये अगर आप 1 रखते हो, 2 रखते हो, तो ये क्या आता है, तो इसको आपको फाइंड करना होगा। इक्वेशन इसी फॉर्म में होता है, जैसे इक्वेशन आपको, अगर आपने बैलेंस देखा होगा, इट मीन्स बैलेंस के बारे में आपने सुना होगा, तो आगे मैं इस पे डिस्कस करूंगा। बैलेंस जो होता है, तो बैलेंस में इक्वेशन का मतलब इक्वल हमें करना होता है, तो इक्वल अगर दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, इट मीन्स हम अगर इधर कोई वजन रखे हुए हैं, वेट रखे हुए हैं, और इधर कोई वस्तु रखे हुए हैं, तो ये दोनों इक्वल करने के लिए हमें या तो वस्तु को क्या करना होता है, उसमें अगर ये ज्यादा है तो इसमें से कम करेंगे, अगर ये ज्यादा है तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका इक्वेशन काम करता है।
तो हम लोगों का जो इक्वेशन है वो इसी फॉर्म में होता है, 3 + 2x = 5। इट मीन्स इसका जो फॉर्मेशन है वो ax + b = 5, ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन है, सॉरी सी, ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन है, जहां पे आपको a, आपको क्या होता है, a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इक्वेशन का मतलब आप लोग समझ गए। सेकेंड वन है लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन इन विच द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, जो हाइएस्ट वेरिएबल पावर है, हाइएस्ट वेरिएबल पावर यानी कि आपको जैसे ax प्लस बी वाई दिया हुआ है, ax प्लस बी इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ओके, तो यहां x क्या है, a एंड b क्या है, आर वेरिएबल। ओके, सॉरी वेरिएबल्स नहीं है, ये कांस्टेंट है, आपको ये सभी कांस्टेंट हैं, आपको वेरिएबल क्या है, x है, a एंड b आर कांस्टेंट। ओके, बट x क्या है, x इज वेरिएबल। अब इसके साथ साथ आपको इसका पावर अगर 1 है तो इसके साथ आपको a और b, a का कंडीशन क्या होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहां दिया हुआ है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड एज ax + b = 0। क्लियर है, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, बोथ a एंड b आर नॉट इक्वल टू 0। इट मींस a और b जो है वो आपको 0 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है, तो स्टूडेंट्स ये आपको समझना है कि कभी भी इक्वेशन जो होता है वो इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इक्वालिटी मींस बोथ साइड, अगर हमारा जो तराजू होता है बैलेंस होता है उसमें दोनों साइड अगर इक्वल होता है तो बैलेंस होता है, बस वही आप समझ लीजिए। तो यहां लीनियर की बात हो रही है, तो लीनियर में आपको वन वेरिएबल इन्वॉल्व होता है और उसमें उसका जो पावर होता है, इट मींस उसका जो एक्सपोनेंट होता है वो 1 होता है, 1 से ज्यादा नहीं, इसीलिए उसको लीनियर बोला जाता है। ओके, यानी कि वो रैखिक समीकरण, इसका हिंदी मीनिंग होता है। अब इसमें आपको स्टूडेंट्स अगर कोई इक्वेशन है, सपोज करो 7n + 2 दिया हुआ है, तो ये टोटल को हम क्या बोलते हैं, ये टोटल टर्म होता है। ओके, और इसमें आपको ये क्या होते हैं, ये आपको कोफिशियंट हो गया, जिसका आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, कोफिशियंट, ये आपको कांस्टेंट हो गया, और स्टूडेंट्स ये वेरिएबल है, वेरिएबल। ओके, और ये जो है ये ऑपरेशन है, ऑपरेशंस साइन है। ओके, तो इस तरीके से एक टर्म बनता है और टर्म का यूज हमें इक्वेशन में करना होता है। तो टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, अब हम लोग जो नेक्स्ट ये है उसको करते हैं, सॉल्यूशन। ए नंबर विच वेन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल इन एन इक्वेशन मेक्स LHS इक्वल टू RHS। इट मीन्स यहाँ पे आपको कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन होता है तो उसके लिए जब भी हमें कोई इक्वेशन दिया जाएगा तो उसमें LHS और RHS को सेटिस्फाई किया जाएगा, और उसको जब सेटिस्फाई हो जाएगा तो उसका सॉल्यूशन हो जाता है। जैसे सपोज करो कि ए नंबर विच वेन सब्स्टिट्यूट फॉर द वेरिएबल इज एन इक्वेशन मेक्स LHS इक्वल टू RHS। जैसे यहाँ पे 2x + 5 = 0 दिया हुआ है, या इसको कोई और नंबर हम ले लेते हैं जैसे 7 दिया हुआ है। ओके, तो अब x की वैल्यू हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू से जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका क्या वैल्यू हो जाता है, 2 को अगर हम किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करते हैं, सपोज करो हमने 1 से सब्स्टिट्यूट कर लिया। ओके, इफ x इक्वल टू 1 देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, LHS की वैल्यू आपको हो जाएगी 2 + 5, इट मीन 7। अब RHS आपका क्या है, ऑलरेडी
सेवन है, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो ये किस वेरिएबल के थ्रू हुआ, किस नंबर को, तो एक्स के जगह पे हमने क्या रिप्लेस किया, वन किया, तो वन इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इट मींस वन को हम क्या करते हैं, एक्स के जगह पे पुट करने से ये जो इक्वेशन है वो वेरीफाई हो जाता है। तो एक्स क्या है, इसका सॉल्यूशन है, क्लियर है। तो एक्स इसका सॉल्यूशन किस तरीके से है, तो इसका एल एच एस और आर एच एस इक्वेशन को ये क्या करता है, इक्वल करता है, इसलिए एक्स को हम इसका सॉल्यूशन बोलते हैं। बस यही है सॉल्यूशन इसका। अब स्टूडेंट्स, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व आखिर कैसे करते हैं, कई तरीके हैं, अभी मैंने आपको एक सॉल्व करके दिखाया, लेकिन इसमें दो तीन तरीके होते हैं, तीन तरीके होते हैं लेकिन दो ही मेनली आपको यूज होते हैं। तो फर्स्ट है बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो बाय ट्रायल एंड एरर मेथड थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन इसको जानना जरूरी है। तो स्टूडेंट सपोज करो, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है 2x प्लस 5 इक्वल टू 10 गिवन है, ओके, तो इसमें आपको सबसे पहले एक टेबल बनाना होगा। इसमें स्टूडेंट्स एक टेबल आप क्रिएट करोगे, इसमें आपको x की वैल्यू सबसे पहले यहां पे x की वैल्यू x इक्वल टू जो भी रखोगे, उसके बाद LHS उसके बाद यहां पे ये इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा ये भी यहां पे करना है, ठीक है। यहां पे यस और नो करना है। अगर इसका वैल्यू, अगर एलएचएस और आरएचएस इक्वल आता है कि नहीं, इक्वल आता है तो यस, अगर इक्वल नहीं आता है तो नो। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। तो ट्रायल एंड एरर यानी हम अनेक तरह के नंबर्स को, डिफरेंट टाइप के नंबर को हम क्या करेंगे, यहां पे पुट करके देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन वो हो रहा है कि नहीं। जैसे मैंने पीछे अभी किया, तो इसका एक अलग मेथड है कि हम डायरेक्ट इसको नहीं सॉल्व करेंगे, हम ट्राई करेंगे, ट्रायल एंड एरर यानी हम गलती करेंगे लेकिन जब तक नहीं होगा तब तक इसे हम सॉल्व करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम जीरो रखते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो, तो एल एच एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इफ एक्स इक्वल टू जीरो देन एल एच एस इक्वल टू 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 है तो 2 इंटू 0 प्लस 5, इट मीन्स 0 प्लस 5, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5। तो स्टूडेंट्स LHS 5 हो गया और हमारा RHS क्या है 10 है, तो ये हमारा क्या होगा, ये सॉल्यूशन नहीं होगा, ओके, यानी कि ये जो x का वैल्यू है 0 ये सॉल्यूशन नहीं है। अब सेकेंड वन हम क्या करेंगे, फिर 1 रखेंगे, तो यहां पे इफ x इक्वल टू 1 देन एल एच एस, तो स्टूडेंट्स 2 इंटू 1 प्लस 5 इट मीन्स 7 होगा। तो यहां x की वैल्यू हमने 1 पुट की, तो इसका वैल्यू एल एच एस तो क्या हुआ 7 हुआ, जबकि आर एच एस क्या है 10 है, तो ये हमारा ये भी सॉल्यूशन नहीं है इसका, क्यों, क्योंकि एल एच एस और आर एच एस इक्वल नहीं है, ओके। यहां पे एक चीज आप और भी इसको अच्छे से लिख सकते हो, यहां पे एल एच एस आर एच एस ये भी कर सकते हो, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ओके, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है कि नहीं, जब तक एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आएगा कि तब तक इसको नहीं हम मतलब छोड़ेंगे करना। नेक्स्ट है इफ एक्स इक्वल टू 2 देन एल एच एस हमारा क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस 5, ओके। तो स्टूडेंट्स अब यहां पे इसे हम यहां पे मिक्स फ्रैक्शन में आपका होगा स्टूडेंट्स, तो हम इसे इसे मिक्स फ्रैक्शन में आपको पहले सिंपल अच्छे से समझ में आ जाए फिर मिक्स फ्रैक्शन वाला मैं समझा दूंगा, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यहां पे आपका 2 या 4 और 5 कितना आया 9, तो ये x का वैल्यू 2 रखने पे आपका वैल्यू क्या हो गया 9, जबकि ये क्या है 11 है, ओके।
देन इट इज ऑल्सो नो. नेक्स्ट वन, इफ एक्स इक्वल टू टू देन एल एच एस इक्वल टू, सॉरी यहां पे थ्री रखना है हमें, टू तो ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, तो थ्री देन टू इंटू थ्री प्लस फाइव. तो स्टूडेंट सिक्स प्लस फाइव इट मीन्स इलेवन, इलेवन वैल्यू है. तो यहां एक्स इक्वल टू थ्री रखने पे इसकी वैल्यू कितनी आई, इलेवन, और इसका भी वैल्यू इलेवन, तो ये यस हो जाएगा. तो सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन इक्वल टू थ्री, यानी एक्स का वैल्यू थ्री पुट करने पे हमारा सॉल्यूशन क्या हो रहा है, एलएचएस और आरएचएस. अभी हमने समझाया था कि एलएचएस आरएचएस इक्वल हो जाएगा तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा. मैंने अब आप सोच रहे होंगे कि यहां मैंने इसको चेंज क्यों किया, यहां इलेवन था, तो टेन अगर हम लोग लेते तो यहां पे कोई भी होल नंबर रखने पे इसकी वैल्यू नहीं आ सकती थी. तो सबसे पहले आप होल नंबर वाला अच्छे से समझ लोगे, उसके बाद वो खुद ब खुद वहां पे फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी आप कर सकते हो स्टूडेंट्स. तो ये आप अच्छे समझ गए कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं. दूसरा जो मेथड होता है सिस्टमैटिक मेथड, तो सिस्टमैटिक मेथड में आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको चार पांच तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है. सिस्टमैटिक में आपको एडिशन करके, सब्ट्रैक्शन करके, मल्टीप्लीकेशन करके, डिवीजन करके, और डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं अलग अलग दोनों को इक्वल करने के लिए. तो यहाँ पे आपको बैलेंस दिख रहा होगा, तराजू आपको दिख रहे होंगे. तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे एक्स और एक्स है, इट मीन्स रिमूव इक्वल वेट फ्रॉम बोथ साइड. अगर बोथ साइड हम इक्वल वेट ये करेंगे, रिमूव करेंगे, तो क्या होगा, उसका वैल्यू सेम ही रहेगा. अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे 5 केजी है, यहाँ 5 केजी हमने रखा है और इधर भी 5 केजी रखा है, और दोनों तरफ से हमने क्या कर लिया, माइनस 2 केजी, यहाँ भी माइनस 2 केजी कर लिया, तो इसका वजन कितना रह गया, 3 केजी. ओके, तो ये इसका वजन तब भी इक्वल है. तो इट मीन्स ये जो मेथड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो इसमें कुछ भी हम वैल्यू रखेंगे, अब सपोज करो कि इसमें हमारा क्या है 4 केजी है और इसमें है हमारा 6 केजी, क्लियर है. अब अगर 6 केजी है, 6 केजी होगा तो इक्वल नहीं होगा, यहां पे इक्वल ही हमें लेना पड़ेगा, 4 केजी ही रखो. अब स्टूडेंट्स अगर 4 केजी है और दोनों को, अब इसको हम क्या करें, तीन गुना कर दें, इट मीन्स थ्री टाइम हम इसको मल्टीप्लाई करें, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 केजी. इसमें भी थ्री टाइम, यानी जितना इधर से हम मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 12 केजी हो जाएगा, क्लियर है. तो इट मीन्स हम सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें, कुछ भी करें, तो ये जो उसका वैल्यू होता है, इक्वेशन जो होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है. तो उसका इक्वेशन का जो वैल्यू होता है वो चेंज नहीं होता है, वो इक्वल ही होता है. सेम नंबर आप बोथ साइड LHS RHS सेम अगर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपका वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगा, क्लियर है. तो अब इसी को हम थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं स्टूडेंट्स. इक्वेशन इन्वॉल्विंग एडिशन. अब सपोज करो स्टूडेंट्स अगर यहां पे हमें कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, 2x प्लस 2 इक्वल टू 4, ओके. अब स्टूडेंट्स यहां पे हमें दोनों साइड क्या है, दोनों साइड LHS RHS गिवन है यहां पे. तो अब यहां पे एडिशन करने के लिए बोला जा रहा है कि हम यहां पे क्या ऐड करेंगे कि ये है सो इक्वेशन हमारा सॉल्व हो जाएगा. यहां पे सॉरी, यहां पे हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, ओके. अब यहां पे हम क्या ऐड करेंगे कि सॉल्यूशन का हम समाधान कर सकते हैं. तो देखो स्टूडेंट्स यहां पे अगर हम बोथ साइड एडिंग टू वी गेट, अगर बोथ साइड हमने
ऐड कर लिया 2, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 2x माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 2x इक्वल टू माइनस 2, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इस x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2/2, तो ये वैल्यू हमारा क्या हो गया माइनस 1 हो गया, क्लियर है। तो इस तरीके से ऐड करके हमने क्या किया, सेम नंबर दोनों साइड ऐड किया, तो हमारा क्या हुआ कांस्टेंट वैल्यू क्या हो गया रिड्यूस हो गया। अब वेरिएबल को हमने वन साइड रिप्लेस करके इसका वैल्यू फाइंड कर लिया, तो ये तो सेम नंबर को ऐड करके हम सिस्टमेटिक मेथड को सीख लिया। अब सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में भी आप इसी तरीके से कुछ कर सकते हो, 2x प्लस 2 है इक्वल टू 5 है स्टूडेंट्स, ओके। तो अब यहां पे बोथ साइड सब्ट्रैक्टिंग 2, देन वी गेट, अब यहां हमने 2 क्यों लिया है, यहां हमने 2, अगर आपने 3 लिया होता तो इसको आपको क्या करना होता, रिमूव करना होता, तो आप 3 बोथ साइड करते हैं, अगर यहां पे 4 लिया होता तो 4 आप बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 2x प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 5 माइनस 2, इट मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 3/2, तो दिस इज योर सॉल्यूशन, ओके। ये सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू हम किस तरीके से सिस्टमेटिक मेथड में इक्वेशन इन्वॉल्विंग एडिशन, जिसमें हम एडिशन को इन्वॉल्व करके हमने ये वाला सॉल्यूशन सीखा, फिर इक्वेशन को इन्वॉल्व करके हमने सब्ट्रैक्शन को इन्वॉल्व करके इसमें इसको किया। अब नेक्स्ट में आपको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला देखते हैं, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग मल्टीप्लीकेशन। अब स्टूडेंट्स यहां पे 3x/5 इक्वल टू 6 दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स ऐसे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यहां पे अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय, अब हमें देखो यहां पे ये फ्रैक्शन में है, तो 5 को अगर हम ये बोथ साइड मल्टीप्लाई, तो ये 5 हमें यहां क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, तो हमारा इसका सॉल्यूशन हम प्राप्त कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 देन, तो इसमें हम 3x/5 × 5 इक्वल टू 6 × 5, अब स्टूडेंट्स ये 5 5 कैंसिल, देन वी गेट 3x इक्वल टू 30, 3x इक्वल टू 30। अब स्टूडेंट्स हमारा जो ये न्यूमेरिकल पार्ट था वो रिड्यूस हो गया, तो अब हम इसे आसानी से कर सकते हैं, x इक्वल टू 30/3, देन वी गेट 10, तो x की वैल्यू क्या हो गई। तो ये था आपको मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व करके हम कैसे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिवीजन, ओके। अब स्टूडेंट्स एक इक्वेशन लेते हैं, टू एक्स, ओके, टू एक्स इक्वल टू 3, ओके। तो स्टूडेंट्स इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने यहां पे कर रहे थे तो वो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, तो बोथ साइड डिवाइड बाय 1/2, देन वी गेट 2x × 1/2 = 3 × 1/2, ओके। तो स्टूडेंट्स यहां पे ये आपका कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। अब इसमें हम लोग ये वाला मेथड ऑलरेडी हम यहां पे कर चुके हैं डिवीजन वाला, क्लियर है। तो ये डिवीजन वाला आप पहले से जानते हैं, इसलिए अगर इसको
आपको नहीं पता है तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, x इक्वल टू, अगर यहाँ पे डिवीजन करना है तो x इक्वल टू आप सीधा इसको क्या करोगे, अगर 2/3 है तो दोनों साइड आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे 2 है तो 1/3 हो जाएगा। अगर दोनों साइड आप डिवाइड करते हो तो क्या होगा, 1/2, अगर दोनों साइड 2 से डिवाइड करते हो तो क्या होगा, 2x/2 इक्वल टू 2/3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। तो ये 4 मेथड हैं, सिस्टमेटिक मेथड, जिससे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और आगे एक और मेथड है स्टूडेंट्स, जो हमें इस चैप्टर में यूज करना है, ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड का मतलब हम जो भी कांस्टेंट की वैल्यू होती है और वेरिएबल की वैल्यू होती है, उसका साइन, जब उसका साइड चेंज होता है, LHS वाले RHS की तरफ जाते हैं और RHS वाले LHS की तरफ, तो उसका साइन चेंज होता है, तो वही इसमें करना है स्टूडेंट्स। अब इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अब स्टूडेंट्स यहां पे आपको इक्वेशन लिखा हुआ है 3x + 5 = 6x + 10, तो इसमें ट्रांसपोजिशन करना है। अब ये क्या करना है कि वेरिएबल वाले को वन साइड करना है, कांस्टेंट वाले को वन साइड करना है, तो यहां पे वेरिएबल हमारा, अब स्टूडेंट्स देखो अगर हम इस तरीके से करते हैं 3x, तो ये वेरिएबल है, तो ये अगर LHS के तरफ आएगा तो ये क्या होगा, इसका साइन चेंज होगा, प्लस में है तो इसका साइन चेंज हो गया। फिर इधर 10 आपका रेस्ट पार्ट है, अब इधर ये जाएगा तो ये भी साइन चेंज होगा। तो स्टूडेंट्स अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -3x = -5, क्लियर है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, ये ट्रांसपोजिशन हो गया, अब इसका वैल्यू, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/3। तो ये बहुत यूजफुल मेथड है स्टूडेंट्स, इसी का जनरली ज्यादा यूज होता है। वो आपको जो एडिशन वाला है, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, तो ये सभी मेथड है, आप जो मेथड यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर कोई पार्टिकुलरली मेथड दिया हुआ है आपके बुक में कि इसी को यूज करना है, तो वही आप यूज करेंगे, ओके। या एग्जामिनेशन में कोई मेथड से बोला जाता है तो आप कोई भी डिफरेंट मेथड यूज कीजिएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सो स्टूडेंट्स अब हम आगे देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। जैसे सपोज करो कि कोई आपसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इट मीन्स लैंग्वेज बेस्ड जो होता है, जो वर्ड से रिलेटेड होता है, उसमें वर्ड से आपको न्यूमेरिकल वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू को आपको वहां पे इंडिकेट किया होता है, जिससे आपको फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट आपको वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू को चूज करना है, सेकेंड वन आपको किस जो भी वहां पे क्वांटिटी दिया होता है उसे आपको क्या करना होता है, उसे लेटर के थ्रू उसे वेरिएबल आपको लेट करना पड़ता है, और थर्ड वन आपका क्या होता है, उसके बाद आप जो भी स्टेटमेंट गिवेन होता है, जो भी स्टेटमेंट गिवेन होता है उसको आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप उसको राइट करते हो, तब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हो। इट मीन्स वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए ये बताया गया है, इन दिस सेक्शन वी शैल स्टडी फॉर्मुलेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, दिस प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व रिलेशन अमॉन्ग अननोन क्वांटिटीज वेरिएबल्स एंड नोन क्वांटिटीज एंड आर ऑफन स्टेटेड इन वर्ड्स। यानी जो अननोन होता है उसको भी हम लोग रिलेट करते हैं और जो जानते हैं उसको भी। तो अगर यहां पे कोई भी वैल्यू आपको दिया हुआ है, सपोज करें कि I will subtract from 10
आई सब्ट्रैक्ट टेन फ्रॉम 20, ओके, व्हाट आई विल गेट इफ आई विल सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 20। तो ये एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आगे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली है कि आपको 10 मतलब आई विल सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 20, हम 20 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा। तो आप लोग सीधा इसको कर सकते हो कि 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे, बट यहाँ पे इक्वेशन से रिलेट करना है तो आप सबसे पहले यहाँ पे लेट द नंबर जो आप फाइंड करने वाले हो, लेट द नंबर इक्वल टू एक्स, ओके, यानी जो नंबर आपको फाइंड करना है उसको पहले एक्स कर लो, उसके बाद 10 फ्रॉम 20, आई विल सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 20 तो हमें क्या फाइंड होगा। तो यहां पे आपको व्हाट आई विल गेट इफ आई विल सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 20, ओके, तो यहां पे x है, देन अगर x इधर रिलेट करते हो तो 20 माइनस 10 कर सकते हो, तो x की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, ओके। तो ये सिंपल था। अब अगर इसी को पूछा जाए कि व्हाट आई विल गेट इफ आई विल सब्ट्रैक्ट द नंबर, देन वी गेट 20, यानी कोई एक ऐसा नंबर दिया है जैसे आपको 100 दिया हुआ है, उसमें से कौन सा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमें 20 फाइंड होगा। तो 100 अगर दिया हुआ है तो 100 में से मैं कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगा कि हमें 20 होगा, तो वो नंबर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस 20, ये ट्रांसपोजिशन मेथड से हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो इस तरीके से यूज करना है वेरिएबल और कॉन्स्टेंट का। तो इसमें हमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि एक्स हमें कब रिलेट करना है और उसको मैथमेटिकल्स लैंग्वेज में लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं एकदम सिंपल आपको बताया हूँ, अब आगे इस तरीके के आएंगे, बहुत सारे आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आएंगे। सो लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं, इट मीन्स जितने इसके कॉन्सेप्ट थे वो सभी आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया। अब वेरीफाई बाई सब्स्टिट्यूशन That, अब इसको वेरीफाई करना है, सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इसको वेरीफाई करना है, यानी सब्स्टिट्यूट करके इसको वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल टू 4 इज द रूट ऑफ 3x माइनस 5 इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू 4 गिवन है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर लेना है, तो इसका वेरीफाई हो जाएगा बाई सब्स्टिट्यूशन। तो LHS करेंगे, LHS में हमारा क्या है, 3x माइनस 5, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू को, तो 2l माइनस 5, देन वी गेट 7। और RHS हमारा क्या है स्टूडेंट्स, वो भी 7 है, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स सेकेंड वन गिवन है x इक्वल टू 3 द रूट ऑफ, तो यहां पे रूट आपका क्या आया, x इक्वल टू 3 इज द रूट, यानी रूट का मतलब जीरोज होता है, यानी इसमें इसका वैल्यू क्या रखा जाए जो इसका वैल्यू सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इक्वेशन में आपको आगे रूट से जीरो को भी रिलेट किया जाता है, यहां पे रूट लिखा हुआ है, तो रूट से आप लोग को ये ज्यादा ये कॉम्प्लिकेशन होने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ 5, यानी इसका ये आंसर है, ठीक है, रूट है, यानी x की वैल्यू जब भी हम कुछ रखेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा, ओके। तो अब यहां पे x इक्वल टू 3 है तो LHS क्या होगा, 5 प्लस 3x इक्वल टू 14, तो इसकी वैल्यू, सॉरी 14 नहीं है, LHS सिर्फ लेना हम लोगों को, तो इसकी वैल्यू 5 प्लस 3 इंटू 3 इट मीन्स 5 प्लस 9 इट मीन्स 14। तो ये RHS है, तो RHS यहाँ, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया स्टूडेंट्स। तो ये वेरीफाई करना है, इट मीन्स जब भी कोई वैल्यू हमको जो अभी ट्रायल एंड एरर में आप लोगों को बताया गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इसको वेरीफाई करना है कि ये आंसर
एक्स इक्वल टू फोर सही है या गलत है, तो दोनों में LHS इक्वल टू RHS है तो बोथ सही है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया था, इसमें से किसी एक को मैं सॉल्व कर रहा हूं. यहां पे आपको स्टूडेंट्स ट्रायल एंड एरर में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ट्रायल एंड एरर मेथड. ओके, तो इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से, जैसे यहां पे सबसे पहले क्या एक्स की वैल्यू, एक्स का वैल्यू यहां पे लिखेंगे, उसके बाद LHS लिखेंगे, उसके बाद RHS लिखेंगे, उसके बाद यहां पे लिखेंगे कि LHS इक्वल टू RHS हो रहा है कि नहीं. ओके, अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू यहां पे जैसे ही हम तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे, अब ये आपकी मर्जी है कि आप क्या लेते हो. मैं अगर यहां पे डायरेक्ट एक बार में अगर मुझे समझ में आता है तो मैं एक बार में, तो ट्रायल एंड एरर वो नहीं हुआ, कम से कम आपको दो तीन टाइम ये अटेम्प्ट करना. सपोज करो मैंने 3 ले लिया. ओके, तो LHS हमारा क्या होगा, x इक्वल टू अगर 3 है यहां पे, x इक्वल टू अगर 3 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 होगा, तो यहां पे 6 होगा LHS और ये क्या है 12 है, तो यहां पे ये इक्वल नहीं है. क्लियर है. उसी तरीके से अगर हमने x की वैल्यू अगर 5 ले ली, x इक्वल टू 5 लिया तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो 5 प्लस 3 इट मीन्स 8 हो रहा है, तो ये 8 होगा, ये भी इक्वल नहीं है, नो होगा. तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम x इक्वल टू अगर हमने 9 ले लिया तो इसका वैल्यू क्या होगा, 12 होगा, ये भी 12, तो ये yes हो जाएगा. तो दिस इज योर आंसर. तो यहां x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा. तो अब इसको ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं. आप अलग अलग नंबर को यहां पे ट्राई करके किससे ये LHS और RHS इक्वल होता है, अगर जिसमें LHS और RHS इक्वल हो गया वो आपका आंसर हो जाता है. क्लियर है. तो स्टूडेंट्स बाकी आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है उसे सॉल्व कीजिएगा. नाउ द नेक्स्ट वन, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन Also verify the result in each case. इसे अब हमें सॉल्व करना है. अब जिस मेथड से हम सॉल्व करें, आपको बहुत सारे मेथड अभी बताया गया था, तो कोई एक मेथड हम ट्राई करते हैं. तो स्टूडेंट्स यहां पे ट्रांसपोजिशन मेथड सबसे आसान रहेगा, बिकॉज यहां पे दोनों साइड वेरिएबल और कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व है. तो सबसे पहले 6x plus 5 इक्वल टू 2x plus 17 गिवन है, तो बाई ट्रांसपोजिशन मेथड वी गेट, अब 6x है, अब ये वेरिएबल है तो इसे हम क्या करेंगे, इसे ट्रांसपोर्ट करेंगे इधर, तो ये 2x हो जाएगा. ये 17 है, इसे भी हम इधर, तो इसका साइन चेंज होगा, साइन चेंज होता जाएगा, तो 4x इक्वल टू 2l. अब इस x की वैल्यू क्या होगी, 2l by 4, देन वी गेट 3. तो यहां पे x की वैल्यू क्या हो गई, 3. अब इसे वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स, वेरीफाई करना है, इट मींस LHS, LHS इक्वल टू 6x प्लस 5. ओके, तो 6x प्लस 5 गिवन है, तो अब इसमें x की वैल्यू 3 हुई तो उसे हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो 6 इंटू 3 प्लस 5 इट मींस 18 प्लस 5 23. अगेन RHS में हम फिर से इसे पुट करेंगे, तो RHS में हमारा क्या है, 2x प्लस 17, 2 इंटू 3 प्लस 17, 6 प्लस 17 इट मींस 23. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया, यानी ये आंसर सही है. ओके, वेरीफाइड, ये आंसर आपका सही है. इससे पहले मैं बताया था कि जिसका LHS और RHS अगर इक्वल आता है तो वो उसका सॉल्यूशन हो जाता है. तो हमें अगर यहाँ पे 3 पुट करने पे LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है, दैट इज योर सॉल्यूशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, यहाँ पे स्टूडेंट्स m माइनस ब्रैकेट में m माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 बाई 3 गिवन है. इसे सॉल्व करते हैं हम लोग.
तो इसे सबसे पहले m माइनस वन बाई टू इक्वल टू वन माइनस m माइनस टू बाई थ्री। अब इसे भी हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसपोजिशन सबसे बेहतर रहता है। तो इसे हम लोग सबसे पहले या तो ये वेरिएबल वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो वेरिएबल वाले को सबको एक तरफ करते हैं, m माइनस वन बाई टू प्लस एम प्लस टू बाई थ्री। ओके, इसकी वैल्यू प्लस हो गई, ये वन हो गया, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स अब इसे हम ऐड करते हैं, टू और थ्री का एलसीएम क्या होगा, सिक्स होगा। ओके, अब सिक्स एम हो जाएगा ये माइनस, इसे हम ब्रैकेट में करेंगे, इसे हम ब्रैकेट में करेंगे। ओके, तो एम थ्री, यहां पे थ्री होगा m माइनस वन, ओके, प्लस टू इंटू एम प्लस टू इक्वल टू वन। ओके, नाउ सिक्स एम माइनस थ्री एम प्लस वन प्लस टू एम प्लस फोर बाई सिक्स इक्वल टू वन। ओके, अब स्टूडेंट्स सिक्स एम टू एम, एट एम में से थ्री एम आपका सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, फाइव एम, और यहां पे वन और फोर फाइव बाई सिक्स इक्वल टू वन। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, थ्री है, थ्री यहाँ पे है, सही है, ये इधर गया, सब सही है, यहाँ माइनस, ओके, एक मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस है स्टूडेंट्स, इसे हमने प्लस कर लिया है। ओके, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, इसे भी चेंज करना पड़ेगा माइनस। ओके, अब इसे हम क्या, माइनस फोर और वन क्या हो जाएगा, माइनस थ्री होगा, दिस इज ओके नॉट ओके, दिस इज थ्री ओके, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ऑल आर राइट, ओके, वेरी गुड। सिक्स टू एट में से थ्री आपको सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा, अब इसे हम क्या करेंगे, माइनस में उसे लिखेंगे, थ्री। नाउ द स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन यहां पे क्या होगा, ये आपको माइनस वन हो जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स फाइव एम माइनस वन इक्वल टू सिक्स इंटू वन, देन स्टूडेंट्स फाइव एम इक्वल टू सिक्स प्लस वन, देन फाइव एम इक्वल टू सेवन एंड m इक्वल टू सेवन बाई फाइव। ओके, तो ये सेवन बाई फाइव इसका क्या हुआ, आंसर हुआ, लेकिन ये सही है या गलत है इसे वेरीफाई करना होगा। ओके, तो अब ये वेरीफाई होगा, एल एच एस इक्वल टू, हमारा एल एच एस क्या है, m माइनस वन बाई टू। अब इसमें पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो फाइव बाई सेवन बाई फाइव माइनस सेवन बाई फाइव माइनस वन बाई टू। अब इसे करने पे क्या फाइंड कर सकते हैं हम, सेवन बाई फाइव माइनस सेवन माइनस फाइव बाई टू, फाइव बाई टू, देन वी गेट सेवन बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव बाई टू, इट मीन्स सेवन बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव इंटू वन बाई टू, कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो सेवन बाई फाइव, सेवन बाई फाइव माइनस वन बाई टू, इट मीन्स फाइव टू टेन होगा, वन बाई फाइव है, वन बाई टू, ओके वन बाई फाइव होगा यहाँ पे, तो ये सेवन माइनस वन इट मीन्स सिक्स बाई फाइव, इसका एल एच एस की वैल्यू कितनी हुई, सिक्स बाई फाइव। ओके, सिक्स बाई फाइव, अब आर एच एस का वैल्यू हम फाइंड करते हैं,
तो इसे यहां पे लिख देते हैं इक्वल टू 6/5। अब RHSM इसे RHS में स्टूडेंट्स क्या होगा, तो यहां पे 1 माइनस m-2/3। क्लियर है? तो 1-5/7-2/3, देन द स्टूडेंट्स 1-5-14, 1-9/3, -7/3। तो स्टूडेंट्स -9/7 × 1/3, 1-9/21, 42 - +9/21. Now the students 51/21. Okay. m-2 given है, m-2 3 है, 5/7, 5/7, 14, 5, -9, 7. -9/7, okay, by 1/3. Okay, this is very good. 1. ओके इसमें यहाँ पे 21, ओके 21 होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। देखो इसमें जब तक आपका सही नहीं होगा यहाँ 21, ओके तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू आएगा, (30/21). अब इसे हम 3 से करते हैं, कितना स्टूडेंट्स आ रहा है, 10/7, ओके। और हमारा LHS क्या हुआ था, एक बार वेरीफाई करो, तो LHS में 7/5 था, ओके मेक अ मिस्टेक, 7/5 हम लोग का था ना, ओके। देखो स्टूडेंट्स यही होता है 7/5, हम लोगों ने यहाँ पे 5/7 ये किया है, डोंट वरी इसे रिप्लेस करते हैं, सेवन बाई फाइव, 1-, एक्चुअल में दूसरे पेज से लेना था इसीलिए मिस्टेक हुआ है, डोंट वरी, -3, 1-7-10/5/3, 1-3/5/3, 1-3/5 × 1/3, ओके 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1-1/5, तो स्टूडेंट्स 1+1/5 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1/5, इट मीन 6/5। तो अब स्टूडेंट्स यहां पे हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया, ये भी 6/5 आया है और ये भी 6/5, तो ये वेरीफाइड हो गया, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, अब स्टूडेंट्स इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड है। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स अ नंबर द रिजल्ट इज 16, फाइंड द नंबर। तो इसमें वो सबसे पहले जो भी हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स वो लेट कर लिया जाएगा, लेट द नंबर बी एक्स, एक्स वाई जेड कुछ भी आप लेट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे एक्स ले लिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने जो फाइंड अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा है, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स अ नंबर द रिजल्ट इज 16, यानी हम 5 को नंबर के 3 टाइम्स से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 3 टाइम अगर नंबर को सब्ट्रैक्ट, तो 3 × x - 5, देन वी गेट 16,
अब स्टूडेंट्स ये 3x माइनस 5 इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब ट्रांसपोजिशन मेथड से हम इसे क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट वाले को एक तरफ कर लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू को, तो यहाँ पे 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 21, x की वैल्यू क्या होगी 7 हो जाएगी। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हेंस द नंबर इक्वल टू 7 आंसर। क्लियर है? यहाँ पे आपको वेरीफाई नहीं करना है, आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हो आंसर को लिख करके। अब 7 का 3 टाइम क्या है 21 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 16 होगा। ओके, तो ये आपको वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ अ नंबर इज ट्रिपलेड एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज बाय 5 वी गेट 50। इफ अ नंबर इज ट्रिपलेड एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज बाय 5, लेट द नंबर, यहां भी वही होगा, लेट द नंबर बी एक्स, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी नंबर इज ट्रिपलेट यानी नंबर को क्या कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया, 3 टाइम्स, द रिजल्ट इज इंक्रीज बाय 5 वी गेट 50। रिजल्ट हमारा क्या हो रहा है, और रिजल्ट को इंक्रीज कर दिया जाए तो इंक्रीज किया जाएगा 5 यानी 5 बढ़ा दिया जाएगा, इसका रिजल्ट क्या हुआ 3x, तो वो हम क्या प्राप्त करते हैं 50। अब स्टूडेंट सेम मेथड ट्रांसपोजिशन वाला, 50 माइनस 5 3x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 15, 45 बाई 3 यानी 15 हो गया। तो हेंस द नंबर इक्वल टू 15। अब इसे वेरीफाई कर लेते हैं, 15 है तो 15 को 3 टाइम किया गया तो 45 हुआ, उसमें 5 ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा। ओके, तो ये आप वेरीफाई भी, इक्वेशन एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसे आपको आंसर आप खुद इसका फाइंड कर सकते हो और इसको प्रूव भी कर सकते हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का स्टूडेंट्स, देर आर ओनली 25 पैसे कॉइन्स इन ए पर्स, द वैल्यू ऑफ मनी इन द पर्स इज रुपीज 17.50, फाइंड द नंबर्स ऑफ कॉइन्स इन द पर्स। तो यहाँ पे जो इसका सबसे मतलब इंपॉर्टेंट है कि जो आपको फाइंड करना है उसे आप वेरिएबल के फॉर्म में लेट कर लीजिएगा। ओके, तो आपका आसान हो जाता है, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स बी एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपका क्या है, 25 पैसे कॉइन्स हैं और उसका नंबर फाइंड करना है, तो हमें नंबर मिल गया है, तो अब 25 से हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा टोटल 17.50 रुपीज हो रहा है। क्लियर है? तो अब इसे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, तो 25x इक्वल टू, इसे हम डेसिमल अगर रिमूव करना है तो इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देन x इक्वल टू 17.50 100 इंटू, यहाँ पे 100 अगर करेंगे चलो कोई बात नहीं, और इसको 25, तो 25 पैसे हैं स्टूडेंट्स, तो पैसे हैं तो ये रुपीज में है, तो इसे रुपीज में करने के लिए इसे 100 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसे हम 100 से डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट ये करेंगे, बिकॉज बोथ साइड ये इक्वेशन है, इक्वेशन में वो एक रुपीज है और एक पैसे हैं, तो रुपीज और पैसे में दोनों को सेम यूनिट में चेंज करना होता है, ये पैसे में है और ये रुपीज में है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, तो यहां इसको स्टूडेंट्स यहां पे क्या किया जाएगा, यहां पे 100 पैसे का रुपीज होता है, तो ये कितना हो जाएगा 25x 1750। क्लियर है? ये दोनों अब पैसे में हो गए रुपीज से, तो x की वैल्यू क्या हुई 1750 बाई 25। अब स्टूडेंट्स इसे हम क्रॉस करेंगे तो 7 टाइम में 70, इट मींस जो कॉइन्स की संख्या है, हेंस द नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू 70। ओके,
अब इसे वेरीफाई भी कर सकते हो, इसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक आएगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में भी दिए होंगे, आप लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग उसे जरूर बताएंगे। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।